इस देशभक्त मुस्लिम ने बुरे वक्त में भारत को दिए थे 5 टन सोना। हिंदुस्तान का एक ऐसा मुसलमान जिसने अपने देश की गरिमा के लिए जो किया वो जानकर हर एक भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि हैदराबाद के एक मुस्लिम शख्स ने देश की सुरक्षा के लिए 5 टन सोना दान कर दिया। मीर उस्मान अली दुनिया के सबसे अमीर इंसान थे। उनकी अमीरी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनका अपना खुद का बैंक था। साल 1944 में उन्होंने ही स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद की स्थापना की, जो बाद में भारतीय स्टेट बैंक में बदल गया। वो 438 करोड़ रुपए की कीमत वाले हीरे को पेपर वेट की तरह इस्तेमाल करते थे। मीर उस्मान अली के पास इतनी दौलत थी कि वो अंबानी जैसे सैकड़ों लोगों को खरीद सकते थे। उनके पास 236 अरब डॉलर के करीब संपत्ति थी। एक वक्त था जब दुनिया के सबसे अमीर इंसान थे मीर उस्मान। साल 1937 में टाइम्स मैगजीन ने उन्हें कवर पेज पर जगह दी। पूरी दुनिया के सबसे अमीर उस्मान अली ने एक वक्त इटली और इंग्लैंड से भी बड़ी रियासतों पर राज किया। वो हैदराबाद के नवाब महबूब अली खान के बेटे थे। आजादी से पहले तक वो हैदराबाद के निजाम रहे और फिर जनवरी 1950 को हैदराबाद के पहले राज्य प्रमुख बने। मीर उस्मान अली भारतीय इतिहास में सबसे ज्यादा दान देने वाले शख्स हैं। साल 1962 में भारत चीन युद्ध के वक्त मीर उस्मान ने भारत की सरकार को 5 टन सोना दिया था, जो कि किसी भी शख्स द्वारा दिया गया अब तक का सबसे बड़ा दान है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत और चीन के बीच जब युद्ध हुआ था तब भारत द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियार और बारूद मीर उस्मान के पैसों से ही खरीदे गए थे। अगर मीर उस्मान 5 टन सोना दान न करते तो भारत के बड़े हिस्से पर चीन का अधिकार हो जाता। मीर उस्मान द्वारा दान किए गए सोने को लेने मौजूदा प्रधानमंत्री